हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अरिहंत सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यानी अरिहंत की जो ये जो बुक आती है मनोहर पांडे, इसकी हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप सबको पता है कि मेरे पास जो ज़्यादा बच्चे हैं ना, वो एंट्रेंस प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं। या तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, BHU, DU, JNU या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के, जैसे कि CUET वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैंने आप सबको बता रखा है कि अरिहंत की जो बुक है, अरिहंत की मनोहर पांडे की जो किताब आती है, वो GK GS की, ये आपके लिए बाइबल है एक तरह का। मतलब इसको आप करके जाएंगे तभी कुछ चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, जो कि इसमें सारी चीज़ें हैं। कम कम है, चाहे उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। और यकीन जानिए, आप अगर इसको पढ़ लेंगे पूरी तरह से, मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे हर टॉपिक में बहुत छोटे छोटे 10 से 15 मिनट की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप यकीन जाने आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आपका एक बेस बहुत अच्छा बन जाएगा, फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा, ताकि आप अच्छा कर पाएंगे। चूंकि आप डिफरेंट एंट्रेंस देते हैं और आपका हो नहीं पाता, आप अटक जाते हैं वहाँ, इसलिए मैंने ये सोच के ये सीरीज शुरू किया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। आज के इस वीडियो में हमने लिया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो हमने टॉपिक लिया वो वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले करेंगे हम लोग कंप्लीट, और इसमें मैं थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक लूँगा। और आज की इस वीडियो में प्लीज़ एक बार आप लोग कोप अप कर लेना, मैंने इसमें हिंदी नहीं रखा है, ठीक है, कंटेंट हिंदी में नहीं रखा है, लेकिन कल से मैं, या फिर जो भी आने वाली वीडियो होगी, एक दिन बात करके मैं कोशिश करूँगा डालने की, तो उसमें मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों डाल दूँगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना, उसका PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है हिंदी में। यूनिवर्स बेसिकली है क्या, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, यूनिवर्स इन टोटलिटी हम लोग कहते हैं, ओवरऑल, मतलब कि जहाँ पे प्लैनेट्स हैं आपके और डिफरेंट चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, हम लोग सब लोग हैं, ये पूरा मिला करके टोटल में हम लोग बात करें तो ये है हमारा यूनिवर्स, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी यूनिवर्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। यानी कि इस यूनिवर्स की स्टडी को, इसके ज्ञान लेने को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे आ गई बात, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड्स, इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, ग्लेशियर्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिकल स्पेस। मतलब गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में भी बताऊंगा गैलेक्सी क्या है, आगे बताऊंगा, गैलेक्टिकल स्पेसेस हैं, जो भी चीज़ें मतलब है ना, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स है हमारा, ब्रह्मांड है, ये आप समझें। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक कलेक्शन है, एक सिस्टम, वास्ट सिस्टम है, बिलियन ऑफ स्टार्स का, मतलब मिलियन बिलियन स्टार्स एक साथ जब होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। हम लोग ये कह सकते हैं गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, अब ऑब्वियसली गैलेक्सी बहुत तरह के होंगे नंबर में, तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। यानी कि हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और हिंदी में इसको कहते हैं आकाश गंगा। होपफुली कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये बना है बिग बैंग थ्योरी के बाद। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड्रोमेडा इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। आप बस बात धीरे धीरे समझते चलना, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी मैं एक बता देता हूँ, ये ना एक बेसिकली एक विस्फोट था, एक धमाका था, जो कि कंस्ट्रक्टिव धमाका था। मतलब जनरली क्या होता है, जब भी कोई धमाका होता है, विस्फोट होता है, धूल तूफान आती है, तो क्या होता है, चीज़ें बिखरती है, चीज़ें बिगड़ती है। लेकिन बिग बैंग का को ऐसा धमाका कहा गया, बिग बैंग को, कि जहाँ से हमारी पूरी दुनिया बनी है, ठीक है। एक कहा जाता है कि एक गोला सा था हमारा ये दुनिया, पूरी जो अर्थ या फिर पूरा यूनिवर्स कह लो, लेकिन जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, बिग बैंग का जो धमाका हुआ, उससे क्या बना, ये पूरी दुनिया बन गई, ठीक है। तो ये माना जाता है, मैं ब्रीफ में बता दिया, हालांकि बिग बैंग के बारे में ये पूरी बात है, पूरी कहानी है, लेकिन आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्स बेसिकली वो हेवनली बॉडीज़ हैं, वो बॉडीज़ हैं जिसकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, उसको हम लोग स्टार कहते हैं, जो कि गैसेज से बना होता है, ठीक है, बहुत हॉट बर्निंग गैसेज से बना होता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, स्टार्स वो हैं जिसकी अपनी हीट लाइट होती है, जो हॉट एंड बर्निंग गैसेज से बना होता है। जैसे मून स्टार नहीं है, हमारा अर्थ स्टार नहीं है, क्यों, क्योंकि मून को लाइट कहाँ से आती है, सन की लाइट आती है, और सन एक स्टार है, ठीक है। होपफुली बातें समझ में आ रही होगी। अब ब्लैक होल क्या है, भाई सिंपल सी बात है ना, कोई भी बॉडी दिखती है हमें कब है, जैसे कि एक बॉडी है, ये चीज़, ये पेज, मान लो ये पेज आपको कैसे दिख रही है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइट पड़ रही है ना, तो वो लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही, इमिट कर रही, मतलब बाहर को भेज रही है, तो वो दिखती है हमें। कि या फिर कोई बॉडी ब्लैक क्यों दिखती है, चूँकि सारे की सारी लाइट वो अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब
सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ विजिबल क्यों है, आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है ना वो उस लाइट को वापस भेजती है हमारे आंखों में, वो लाइट पड़ती है फिर हम देख पाते हैं। अगर ये ऐसा ना करें तो ये हमें दिखे ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने नाम सुना होगा अपना ब्लैक होल क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ है, स्टार्स हैविंग मासेस ग्रेटर देन 3 times दैट ऑफ सन। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिसमें कि ना सन का जो 3 गुना मास उसके पास है, मतलब सन का 3 गुना आप लेमैन के भाषा में समझ सकते हो कि वजन है उसके पास, ठीक है, हैव वेरी हाई ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशनल पावर ही बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पुल खींचने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है इसको, सो दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द ग्रेविटी एंड हेंस कॉल्ड द ब्लैक होल। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, ब्लैक होल क्या है कि भाई ऐसे स्टार्स हैं जिसका मास ना मतलब कि सूरज से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, सूरज से 3 गुना बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल भी इसका बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि वो लाइट को भी अपने आप, अगर जब एक बार उस पर लाइट पड़ी तो वो लाइट को भी बाहर नहीं निकलने देता, उसको भी खींच के रख लेता है, जब लाइट को खींच के रख लेगी तो वो दिखेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमेट्स क्या है, कॉन्स्टेलेशंस क्या है, सैटेलाइट क्या है। आज मैंने हिंदी नहीं रखा, प्लीज़ आज मैनेज कर लेना, मैं कल से हिंदी भी रखने की कोशिश करूँगा, इनफैक्ट मैं रखूँगा ही रखूँगा नेक्स्ट वीडियो से। कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स है मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस, मतलब कॉमेट्स वो एक बॉडी है जो कि फ्रोजन गैसेज से बनती है, मतलब गैस है ना, गैस भी बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गई होगी, बहुत ठंडी हो गई होगी, तो उससे जो बॉडी बनती है उसको हम लोग कहते हैं कॉमेट्स। दे मूव अराउंड द सन इन द इलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द टेल ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन। इस पॉइंट का मतलब समझिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सूर्य देवता है, ठीक है, इसके चारों तरफ कॉमेट ऐसे घूम रही है, ये कॉमेट है तो इसका टेल जो है ना ये है, मतलब सन से दूर है ये जो पूंछ है इसका, और ये चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, इलिप्टिकल मतलब ये ऐसे वाला पाथ, अंडाकार, ठीक है, मतलब ये जो होता है ना सर्कुलर होता है, ये गोल वाला नहीं, इलिप्टिकल ऐसा होता है अंडे के शेप का कुछ, ठीक है, एलिप्स आपने पढ़ा होगा, जो लोग साइंस वाले जो नहीं पढ़े वैसे समझिए अंडानुमा, ठीक है, इसी पाथ में घूमते रहते सन के चारों तरफ। अब एक है कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब है, देखिए होता क्या, हमारे जब स्काई में देखेंगे कई बार अलग अलग तरह के पैटर्न बनेंगे, कभी आपको स्टार बनता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ स्टार वाला पैटर्न, कुछ अलग कर दिखेंगे, इसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। माना ये जाता है कि हमारे पास टोटल जो है 88 नॉन कॉन्स्टेलेशंस है, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, अरसा मेजर, ग्रेट बियर, एक भालू का एक दिखता है, ठीक है, भालू कई बार आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी है, भालू दिखता है, ठीक है, ग्रेट बियर, तो ये सब हमारे कॉन्स्टेलेशन है, यानी अलग अलग पैटर्न है जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट वो होता है जो प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा होता है। प्लेनेट क्या आप जानते हो ना भाई, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, हमारा अर्थ भी एक प्लेनेट है, मरकरी एक प्लेनेट है, यानी कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, आपने जो पढ़ा है, वो प्लेनेट के चारों तरफ जो बॉडी घूमती है ना हेवनली बॉडी, उसी को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ यानी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, एक इकलौता सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून कहते हैं, यही बात कहा गया। अब मून के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। मून का जो डायमीटर है ना, यानी व्यास, व्यास समझते हो ना आप ऐसे, ये हमारी बॉडी है, व्यास का मतलब यहां से यहां की दूरी, ठीक है ना, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ए से बी तक की दूरी, तो व्यास इसका हम लोग देखें तो 3476 3476 किलोमीटर है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ये है 384-365 किलोमीटर। रोटेशनल स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटेशनल रिवॉल्यूशनल स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन मैं भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, हाँ आगे बताऊंगा, ठीक है, और जब सन का हम लोग पढ़ेंगे। रोटेशनल स्पीड, रिवॉल्यूशनल स्पीड याद नहीं रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि भाई टाइम टेकन बाई मून टू रीच अर्थ, मतलब कि मून की लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में, देख जैसे कि ये हमारी चंद्रमा है, कहाँ ये हमारी चंद्रमा है, तो और ये हमारा है अर्थ, प्यारा सा अर्थ, तो यहाँ तक इसकी लाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है ना, ये 1.3 सेकंड लगता है, ये ध्यान रखना, 1.3 सेकंड लगता है। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ सवाल पूछ लूँ कि भाई सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, जैसे ये हमारा सूर्य है ऐसे, ठीक है, इसकी लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है हमारा 8 मिनट। इस बुक में मैं अभी आगे बताऊंगा 8.16 कुछ होगा, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना 8 मिनट, चूंकि एनसीईआरटी कहती है कि 8 मिनट है, अराउंड 8 मिनट, तो आपको 8 मिनट ध्यान रखना है। अगर 8 मिनट की ऑप्शन नहीं होगा तब हम लोग जाएंगे 8.16 में, ठीक है, 8 मिनट 16.3 सेकंड एक्चुअली है ये इस बुक के हिसाब से, अरिहंत के हिसाब से, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है 8 मिनट, तो आप 8 मिनट ही ध्यान रखो। अगर 8 मिनट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे 8 मिनट एंड 16.3 सेकंड, 8 मिनट 16.3 सेकंड, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। ऑब्वियसली बात है सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा पहले तो सन है, सन हमारा सेंटर पे
होता है इसके चारों तरफ बाकी की बाकी बॉडीज घूमती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। बाकी की बॉडीज मतलब बाकी के सैटेलाइट्स आपको और बाकी के प्लैनेट्स घूमते हुए नजर आएंगे। तो सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा सन होगा सेंटर पे, उसके बाद आठों के आठों प्लैनेट होंगे और उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट। सैटेलाइट मैंने भी बताया था, प्लैनेट के चारों तरफ जो बॉडी घूमती रहती परिक्रमा करती है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। कॉमेट्स मेटियर्स, अच्छा मेटियर्स मैंने बताया नहीं बताया, अच्छा मेटियर्स आगे आएगा, मेटियर्स और मेट्राइड्स, एस्ट्रॉइड्स मेट्राइड्स मेटियर वो भी मैं बता दूंगा। तो फिलहाल हमारा क्या है, ये हमारा सन है, सूर्य है, इसके चारों तरफ जो घूम रही है प्लैनेट्स वो किस पाथ में घूम रही है फिर भी ध्यान रखिए आप, एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट या एलिप्टिकल पाथ में घूम रही होती है। तो सन के बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपको ध्यान रखना, आठों प्लैनेट आपको याद रख लेना है। कल मैं हिंदी में बता दूंगा, बुध शुक्र शनि, ठीक है, तो आप पृथ्वी, ये सब आप याद रख लेंगे। तो एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी वाले के लिए कल मैं एक बार बता दूंगा और कल से मैं पक्का हिंदी भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो अब नहीं है, सॉरी, यूरेनस नेपच्यून तक है, प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है। चूँकि प्लैनेट के जो भी चीज़ें थी ना, जो भी फीचर्स थे प्लैनेट के, वो प्लूटो हमारा फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को हमने रखा है ड्वार्फ प्लैनेट में। ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आठ हमारे पास टोटल प्लैनेट है। अच्छा, इनमें से क्या, चार चार का भाग कर दो, 1 2 3 4, ये चार अंदर में, तो ये इनर प्लैनेट है, ऐसे करके ये चार हमारे अंदर वाले हैं ना, तो इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और ये जो हमारे चार हैं, ये हमारे चार बाहर वाले हैं, तो इसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर प्लैनेट्स, याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर प्लैनेट्स। कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर है तो आउटर, अंदर है तो इनर प्लैनेट्स है। अब आगे चलते हैं, इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मैंने बताया कि सन सेंटर पे होगा, इसके चारों तरफ ये सब बॉडीज़ घूमती रहेगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो सन सेंटर पे है एंड ऑल द बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड देम, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है। सन जो है ना, हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार, सबसे पास का जो स्टार है वो हमारा सन है, ये भी ध्यान रखना। फैक्ट्स अबाउट सन, सन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग को जानना चाहिए, जैसे कि हमारा एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये आप इतना याद नहीं रख पाओगे, याद रखना चाहो तो याद रख लो, बहुत बड़ा डेटा है, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर, डायमीटर, इस सबकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रोटेशनल स्पीड ये है 25 3/8 days, ये भी याद मत रखना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए, टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ, मैंने अभी यही बताया था। NCERTs कहती है 8 मिनट, अराउंड अप्रोक्स 8 मिनट, ठीक है, लेकिन हमारे अरिहंत में क्या है, 8 मिनट एंड 16.6 सेकंड। तो अब ध्यान रख लेना 8 मिनट, और ये भी डेटा चाहो तो थोड़ा बहुत याद रखना सबकॉन्शियस माइंड में कहीं, अगर 8 मिनट ना आए तब ये मारेंगे, 8 मिनट अगर हो तो हम ऑप्शन 8 मिनट ही लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट जो हमारे पास है ना, प्लैनेट टोटल आठ है भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, तो हमारे पास टोटल सबसे बड़ा प्लैनेट जो है ना, बिगेस्ट प्लैनेट ये हमारे पास जुपिटर है, और बिगेस्ट सैटेलाइट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है गैनमीड है, ये जुपिटर का ही सैटेलाइट है, ठीक है। अब ब्लू प्लैनेट हम किसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, क्यों, चूँकि अर्थ के पास हमारे पास वाटर है और हमारे पास एटमोसफियर है, इसलिए हम लोग इस अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट हम किसको कहते हैं, यूरेनस को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रख लेना कि वीनस जो है ना हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकीला, जैसे एक ऐसे एक बॉडी है तो इसमें बहुत चमक होगी, सबसे चमकीली बॉडी जो है ना हमारा कौन है, वीनस है। उसके बाद इसको हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं और अर्थ ट्विन भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, तो ये हमारा है वीनस, अर्थ ट्विन यानी कि पृथ्वी की ट्विन सिस्टर हम लोग कह लें तो ये कौन है, या फिर पृथ्वी की बहन कौन है, तो ये है वीनस। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी वीनस को कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है सोलर सिस्टम का वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार अगर मैं पूछूं तो वो सन है, लेकिन अगर सोलर सिस्टम का पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून है, सबसे कोल्ड यानी सबसे ठंडा नेपच्यून कहा गया। इवनिंग स्टार अभी मैंने बता दिया वीनस है, मॉर्निंग स्टार भी वीनस है, तो ये है, इससे ज़्यादा और बहुत कुछ आपको याद नहीं रखना, इधर एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन नहीं रखना। अर्थ ट्विन मैंने बता दिया है, ठीक है, वीनस है, अर्थ ट्विन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ब्राइटेस्ट प्लैनेट ये हमारा है वीनस, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग एस्ट्रॉइड पे आते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक बेल्ट होता है,
छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं इसमें चलते फिरते, इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं एस्ट्रॉयड। तो पूछा क्या जाता है कि एस्ट्रॉयड किस किस के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है एस्ट्रॉयड जो है हमारा मार्स एंड जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। और स्मॉल प्लेनेटरी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर ऑल्सो नोन एज द माइनर प्लेनेट्स। इसको हम लोग कई बार माइनर प्लेनेट्स भी कहते हैं एस्ट्रॉयड को। बेसिकली है क्या, ये टुकड़े हैं, ये रॉक के टुकड़े हैं छोटे छोटे जो कि मार्स और प्लेनेट के बीच में भटकते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये लास्ट पेज है, अर्थ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, मेटियोर्स एंड मेटराइट्स। मेटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स। बेसिकली होता क्या ना, आप देखते होंगे कुछ टूटता हुआ तारा जिसको हम लोग बोलते हैं, शूटिंग स्टार का वही मतलब है टूटता हुआ तारा। आप देखते हो क्या कहते हो, टूटता हुआ तारा गिर रहा है, कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी। अरे भाई वो खुद जल रहा है, उस पर क्या विश मांगोगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या होता है, बेसिकली मेटियोर्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। कई बार क्या होता है, मेटियोर्स ना घूमते 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 अचानक से गिर जाता है जमीन की तरफ। जब वो गिरने लगता है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन अमंग द एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड के बीच में जो कोलिजन होता है ना, एस्ट्रॉइड मैंने बताया था छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं, जब वो आपस में टकरते हैं तो छोटा एक टुकड़ा बन जाता है, वो गिरने लगता है जमीन की तरफ। और वो गिरते गिरते अर्थ का एक लेयर है मीसोस्फेयर, मैं अभी बताऊंगा आपको जब अर्थ लेयर पढ़ाऊंगा मीसोस्फेयर, वहाँ आकर के ये जलने लग जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मेटियोर्स कहते हैं। अभी देखिए, दे आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन अमंग द एस्ट्रॉइड्स। मेटियोर्स दैट डू नॉट बर्न कंप्लीटली इन द अर्थ एटमोसफेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड मेटियोराइट्स। मेटियोर्स क्या है, जो कि भाई गिरते गिरते जमीन में आया, मीसोस्फेयर में आया, अर्थ का एक लेयर है मीसोस्फेयर, वहाँ आया और वहाँ जल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटियोर्स। और ये अगर पूरी तरह नहीं जल पाया और एक रॉक, एक चट्टान, एक पत्थर के रूप में हमारी जमीन में आके गिर जाता है, हम लोग इसको मेटियोराइट्स कहते हैं। ठीक है, बात टूटता हुआ तारा अगर वो जल गया तो वो मेटियोर्स है, नहीं जला वो, जल नहीं पाया, बर्न नहीं हो पाया, धुआं और राख में नहीं बदल पाया और वो जमीन में आ गया एक पत्थर की शक्ल में, एक रॉक के शक्ल में, तो इसको हम लोग मेटियोराइट्स कहते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मेटियोराइट्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ द निकल एंड आयरन अलॉय। निकल और आयरन से बेसिकली मेटियोराइट्स बना होता है, इसके बारे में कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट मैंने बता दिया, इनर प्लैनेट होते हैं कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। पहले के चार इनर प्लैनेट्स हैं और बाद के चार आउटर प्लैनेट्स हैं। अब दोनों में फ़र्क एक बार देख लेते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट देख लेंगे, फिर आज का हमारा हो जाएगा ख़त्म, आज की कहानी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल और रॉकी प्लैनेट। अंदर के जो प्लैनेट है ना, वो रॉक से बने हुए हैं, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं हमारे, ये रॉकी प्लैनेट है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इसको हम लोग जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, फिर गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, बस इतना सफर पहला वाला हमारा कह रहा है। ठीक है, तो इनर प्लैनेट जो है हमारा रॉकी प्लैनेट है और बाहर वाला जो है ना गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट है। दे आर नियर टू सन, हमें ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि ये सन के नियर है, ऑब्वियसली बात है, ये चार सन के नियर है और ये चार सन के दूर है थोड़ा, तो यही बात कह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट सिंपल सी बात है, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में आप ज़्यादा मत समझो, कह रहे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कुछ कंडीशंस तय किए हैं, उस कंडीशन पे कोई प्लैनेट अगर उतर नहीं पाता तो उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो पहले हमारा जो प्लूटो था वो प्लैनेट था, लेकिन अब हम लोग नेपच्यून तक ही प्लैनेट मानते हैं, प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। प्लूटो है, सीरिस है, उसके बाद आयरिस है, ये सबको हम लोग मानते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। अब एक चीज़ कई बार पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर कई बार हम लोग लाइट ईयर, तो ये कई बार हम लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन ये क्या है, दूरी, यानी कि दूरी या डिस्टेंस की इकाई है। दूरी या डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये हमारी ज़मीन है, नहीं ऐसे नहीं, ज़मीन को हम ऐसे कुछ बनाएंगे, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा सन है। तो इस दोनों के बीच में जो मीन डिस्टेंस है ना, जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि भाई कभी भी आपको लाइट ईयर पूछे तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की एक इकाई है, यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन वन ईयर एट द स्पीड ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक साल में, वन ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस को कवर करती है ना, जितनी डिस्टेंस को, जितनी दूरी को तय करती है, उसी को हम लोग लाइट एयर कहते हैं। और लाइट की स्पीड हम लोगों को यहाँ पता चल गया, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। जब मीटर में पूछे तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब किलोमीटर पूछे तो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड में हमें बोलना है। अर्थ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और बाकी कोई चीज़ समझ में ना आए, पूछना है तो पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियोज़ को देखते रहिए, समझते रहिए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो और पूछ लीजिएगा। कल हिंदी भी ऐड करूँगा और ठीक से और पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो। लेकिन आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें 100% समझ में नहीं आएगा, आप चीज़ों को नोट करना जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट
बताया, और वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत आसान जबान में बताने की कोशिश की है। थैंक यू।